in CREDAI Pune about 4 years ago or 5 years ago started his experiment of cushion for skill development, which through the grant of NSCC where we started building on site. And we have seen the entire अच्छा अवसर है जिसके लिए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी घर मिले हाउस प्रभाव और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई एक एजेंसी कोई एक सरकार ये उसको पूरा नहीं कर पाएगी। हमको इस लक्ष्य को पूरा करना है तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सबका मिलकर के हम सब करेंगे रूप से हम उसको पूरा कर पाएंगे। हमारी संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल स्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये अपेक्स बॉडी सभी हमारे डेवलपर्स हैं उनको बुला करके बनाई हुई है। संस्था के सब लोग इसको सोचेंगे और जैसा बताया कि इस काम के कारण से हमारा बिल्डिंग भी है देश भर में तो और आगे बढ़े इस ओर हमको आगे बढ़ना ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। अभी तक जो हमें आ रहा है कि सभी डेवलपर्स और सभी बड़े डेवलपर्स बड़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं और विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में भी आवश्यकता है ऐसा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ रूरल इंडिया ग्रामीण क्षेत्र उसमें भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ हमारा खुला डायवर्जन यदि इस ओर होगा तो बहुत लाभ होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र की तरफ गांव का प्लान एक बहुत बड़ा मात्रा में हो रहा है। हम अर्बनाइजेशन की मोड में नहीं है, लेकिन रूरल इंडिया को केवल प्लान करके शहर की तरफ आते हैं तो उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, हमारे रहन सहन का जो बैलेंस है जो यानी उसको उनको ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए वो सब सुविधाएं जो शहरों के रहे गाँव में होनी चाहिए। कॉस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमको ध्यान में रख करके अफोर्डेबल हाउसिंग इसको हम जिस तरह पढ़ भी रहे हैं फिर भी अभी उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो शायद उतनी नहीं है जो हम इस प्रकार का कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार इसमें अपना योगदान सब करेगी, जितना भी संभव होगा सब करेंगे जैसा अपेक्षा की गई है। उसी में हम कंपनीज भी यदि अपने द्वारा जो साधन है खासकर मैं CSR की बात कहूंगा एक बहुत बड़े रिसोर्सेज हम उस कोई भी वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से निकालते हैं तो उसका भी हमको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक बड़ा क्षेत्र है अनऑथराइज कॉलोनीज का। अब चूंकि मकान सबको चाहिए, आज की जितने भी शर्तें हैं जितने नियम उपनियम है उस आधार पर हाउसिंग सिस्टम में हम सब लोगों को शायद जो उनकी कैपेसिटी है उसके साथ नहीं दे पा रहे कोई भी जो अनऑथराइज कॉलोनीज जो कच्चा ढंग से बना लेता है विदाउट एनी इवन विदाउट इवन लाइसेंस विदाउट इवन सिस्टम वो जो बना लेता है तो बहुत कॉलोनीज बनी है। मैं एक शहर करनाल की बात करता हूँ तो फिर मैं करनाल को रिपोर्ट करता हूँ और उन अनऑथराइज कॉलोनीज का भी क्या स्वरूप हो सकता ताकि उनके सिस्टम को भी ठीक कर सके और उस में पूरा कोई घुसना उदार करके कोई पार्टनरशिप करके कोई उनके साथ समिति सोसाइटीज बनाकर उसके साथ कोई अटैचमेंट बनाकर यदि उनको रास्ता निकाल सकते हैं तो उसको हमको आगे बढ़ना चाहिए। विस्तार के नाते वर्टिकल एक्सपेंशन करने से अगर लैंड एक लिमिटेड सोर्स न हो पाए यदि हम इसको वर्टिकल एक्सपेंशन की ओर जाते हैं तो शायद लैंड की जो स्केसिटी है वो हम आगे नहीं बनेगी, इसलिए कुछ और भी हमको जाना चाहिए। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देश में जितना भी आवश्यक है बहुत कम रुका है, उसको आगे बढ़ने के लिए हम भी अपनी योजना बना रहे हैं। क्योंकि जैसा गुरु जी ने कहा वो 10 दिन 12 दिन से उन्होंने मंत्रालय संभाला है और मेरा भी